नहीं होता। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, अ पार्टनर हैड अ डेबिट बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट ऑफ 1600 ऑन 1 जनवरी। क्या मतलब? करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब? माइनस में जा रहा है इसका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा रिकैप कर लें भाई। देखिए बात यह है कि एक तो होता है कैपिटल अकाउंट। सोल ट्रेडर में तो हम ये करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है और लॉस से कम हो जाता है, और ड्रॉइंग से भी कैपिटल कम हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में हम नहीं चाहते हैं कि कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा कैपिटल नहीं, और भी पार्टनर्स हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा कैपिटल रहे फिक्स। अब कैपिटल को फिक्स रखने का क्या तरीका है? जो चीज़ें भी कैपिटल को फ्लक्चुएट करती हैं, कैपिटल में मस्ती करती हैं, उसको कैपिटल में डालने के बजाय हम एक नए अकाउंट में रखेंगे, और उसका नाम क्या होगा? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पार्ट है कैपिटल अकाउंट का, और जैसे कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का भी नेचर क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अगर करंट अकाउंट का नेचर आ रहा है डेबिट, इसका मतलब ये एबनॉर्मल बैलेंस। एबनॉर्मल बैलेंस का मतलब ये, पार्टनर का जितना शेयर बन रहा था उसने उससे ज़्यादा क्या कर ली? ड्रॉइंग्स कर ली। सही है ना? अब बिजनेस पार्टनर को पैसे नहीं देगा, बल्कि पार्टनर से बिजनेस पैसे मांगता है। हम पार्टनर से पैसे मांग रहे हैं। डेबिट बैलेंस बिजनेस के लिए एसेट है। 31 दिसंबर ईयर एंड पे फॉलोइंग अमाउंट वर एंटर्ड इन करंट अकाउंट, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक है शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको बताना है भाई कि 1 जनवरी जो अगले साल है वो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। अब ये बहुत आसान है, इसके लिए आप एक करंट अकाउंट बना ले पार्टनर का। करंट अकाउंट बताओ, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का क्या दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा कितना? 1600। और उसके बाद और क्या डेटा गिवन है भाई सवाल में? हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड पे। जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलेंगी, जो देनी है, वो उनके अकाउंट में कहेंगी क्रेडिट साइड पर। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना है। इसको कितना देना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट 4000, ये भी देना है। और क्या चीज़ इसको देनी है? बस और कोई चीज़ नहीं देना। अगर सैलरी होगी तो वो भी आ जाएगी। अगर लॉस होता है तो वो कहाँ आता है? डेबिट साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, बड़ी साइड कौन सी आ रही है? बड़ी साइड आ रही है मेरे भाई क्रेडिट साइड। ऐड कर लें, क्रेडिट साइड कितनी है? 4500 में से माइनस कर दें क्या चीज़? 1600। तो ये आ गया कितना? 2900 आ गया। 2900 जो बच गया, ये जो 2900 है बैलेंस कैरी डाउन है। ये बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड में क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन। सही ना? बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 2900। अब मुझे बताओ, ये जो 2900 आया, ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? ये क्रेडिट बैलेंस है, 2900 क्रेडिट। तो बी आंसर आ रहा है, 2900 क्रेडिट। सही है जी। भाई लॉजिक ये है कि 500 हमने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट का शेयर देना है 4000। टोटल कितने देने हैं उसको? 4500, जिसमें से 1600 हम डिडक्ट कर लेंगे। क्यों डिडक्ट कर लेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले पीरियड में ज़्यादा पैसे ले गया था ड्रॉइंग। तो अब हम उसको कितने पैसे देने हैं? 2900। अगर ड्रॉइंग भी होती तो वो कहाँ थी? डेबिट साइड पर। ड्रॉइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन नंबर 3।